दोस्तों, आज जिस क्रॉप की हम लोग बात करने वाले हैं वो उस क्रॉप का नाम है पोटैटो। और ये आप देख सकते हो, ये पोटैटो जिसको हम वेजिटेबल के रूप में यूज करते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो ये पोटैटो है, ये दिस वेजिटेबल इज हैविंग मैक्सिमम एरिया इसी की है पूरे वर्ल्ड में, एमंग ऑल द वेजिटेबल। जितने भी वेजिटेबल पूरे वर्ल्ड में ग्रो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा एरिया इसी पोटैटो का है। पोटैटो सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड। और इसको बोटेनिकली बता दूं आपसे, इसको बोलते हैं सोलेनम ट्यूबरोजम। सोलेनम जीनस है और ट्यूबरोजम जो आपकी स्पीसीज है। और इसी की वजह से सबसे ज़्यादा इसका एरिया है। इसको एक तरह से किंग ऑफ वेजिटेबल भी बोलते हैं। एक किंग है पूरे वेजिटेबल का। और इसका क्योंकि इसका देखोगे सबसे ज़्यादा एरिया, मैंने बोला कि जैसे सब जो भी वेजिटेबल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा इसी का एरिया है। और इसकी एक स्पेशल यूनिक क्वालिटी ये है कि इसमें स्टार्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कि फारिना। और अगर हम विटामिन की बात करें तो B1 जो विटामिन है वो इसमें पाया जाता है। और ये जो आपको दिख रहा है क्या, ये ट्यूबर है, ये एक ट्यूबर क्रॉप है। और पोटैटो को एज ए, याद रखिएगा, एज ए कैश क्रॉप यूज किया जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये बहुत हाई वैल्यू क्रॉप है, हाई वैल्यू क्रॉप है, मींस जो आपका पर यूनिट एरिया आपको हाई इनकम मिलेगी फ्रॉम द दिस पोटैटो। और अगर हम यही अब एरिया की बात करें इंडिया में, तो ये देख सकते हो, ये जो हमारा उत्तर प्रदेश है, यहाँ ये फर्स्ट है, सबसे ज़्यादा एरिया यहाँ पाया जाता है। और फिर इस जो आपका वेस्ट बंगाल है, ये वाला एरिया, यहाँ पर इसको सेकेंड स्थान है। और बिहार जो अपना है वो थर्ड स्थान है। और अगर हम इसको प्रोडक्शन में बात करें तो सेम ट्रेंड, मतलब ये यूपी का फर्स्ट, आपका वेस्ट बंगाल का सेकेंड, और थर्ड जो है बिहार का है। तो ये कोई ऐसा नहीं है जैसे अब किस साल में कौन सा व्यूअर्स देख रहा है, तो ये उस टाइम के डेटा पे भी डिपेंड कर सकता है उस टाइम पे कैसा हो। लेकिन जो ट्रेंड है, मैक्सिमम एरिया हमारे इंडिया में इन्हीं तीन स्टेट में है, आपका उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और बिहार। और थोड़ी अभी अगर हम बॉटेनिकल इसको देख लें तो याद रखिएगा कि जो ये पोटैटो है एक्चुअली ये पेरिनियल है, पेरिनियल क्रॉप है, ठीक है, नेचुरली ये पेरिनियल है। लेकिन जिस तरह से हम लोग कल्टीवेशन करते हैं इसका, पोटैटो का, उस हिसाब से हम इसको कैसे ट्रीट करते हैं, एज ए एनुअल। लेकिन रियल में है क्या ये पेरिनियल क्रॉप, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस होता है किस पे, ट्यूबर ग्रोथ पे। हमारा इसमें फ्लावर आए चाहे न आए, और सीड फॉर्मेशन हो या ना हो, इससे कोई हम लोग का ज़्यादा मतलब नहीं होता। ओनली हमारा जो फोकस होता है एल्ड, केवल इस ट्यूबर फॉर्मेशन से, मीन्स हमको हमको ट्यूबर चाहिए। तो हमारा जो फोकस ट्यूबर पर होता है, इसलिए हम इसको ट्रीट कैसे करते हैं, एज ए एनुअल। लेकिन यही जब आप ट्रू जो पोटैटो सीड प्रोडक्शन के लिए जाओगे, आप ट्रू पोटैटो सीड प्रोडक्शन के लिए, तो याद रखिएगा उस केस में जो इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये पेरिनियल हो जाएगा, क्योंकि वहां पर आप आपको फ्लावरिंग से भी मतलब रहेगा। फ्लावरिंग आएगी तब जाके फ्रूट्स फार्म होंगे, तभी आपको जाके सीड मिलेगा। और यही सीड जो होता है ट्रू होता है, इसलिए इसको TPS भी बोलते हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी लेटर ऑन, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दिया कि क्यों इसको हम एनुअल ट्रीट करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ये ट्यूबर है, ये सॉइल के अंदर फॉर्म होता है। और ये याद रखिएगा, ये
जो रूट होते हैं, जैसे आपका ये रूट है, तो इसके टिप पे स्टोलन फार्म होगा और उसी स्टोलन पे ये क्या होता है, इनलार्ज हो जाएगा, ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा, ये होता है क्या, ट्यूबर फार्म हो जाता है। एग्जैक्टली रूट पे नहीं होता है, स्टोलन फार्म होता है, देन ये ट्यूबर का फॉर्मेशन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये है इसका कैसे ये ट्यूबर फार्म होता है। और अगर हम सॉइल की बात कर लें तो याद रखिएगा स्लाइटली जो है पीएच एसिडिक चाहिए, आपका 5 से लेके 6.5 जो आपका पीएच है वो आइडियल है। और अगर ऐसा है तो याद रखिएगा इसमें जो स्कैब डिजीज लगता है वो नहीं लगेगा, रिड्यूस हो जाएगा, उसका इंसिडेंस रिड्यूस हो जाएगा अगर आप आपका जो पीएच है स्लाइडली एसिडिक है। अगर हम इसको डे लेंथ के हिसाब से देखें तो ये शॉर्ट डे भी है और लॉन्ग डे भी है, इसको सी ग्रो कर सकते हैं और लॉन्ग डे भी। आपसे बताऊं जब हमारा फोकस किस पे रहेगा, ट्यूबर पर केवल, जैसे मैंने बात किया ना, तो उस केस में ये बिहेव करेगा आपका एज ए शॉर्ट। लेकिन जब आपका फोकस इस पे रहेगा कि फ्लावरिंग पे और फ्रूट फॉर्मेशन पे, तो उस केस में ये बिहेव आपको लॉन्ग डे बिहेव करेगा, क्योंकि बिना फ्लावरिंग फ्लावरिंग जो है हुए यू विल नॉट गेट द प्रॉपर फूड सेट। तो जो हम ट्यूबर ग्रोथ करते हैं एज ए, इसको शॉर्ट डे प्लांट हम ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो रिलेशन जो है फ्लावर से, कोई हमारा फ्लावरिंग से कोई इनिशिएशन हो या ना हो, इससे हमारा कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि हमें तो फाइनली हमें ये चाहिए ट्यूबर। और इस ट्यूबर के ग्रोथ के लिए याद रखिएगा 17 to 19 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है आइडियल है फॉर ट्यूबराइजेशन। ट्यूबराइजेशन के लिए ये जो 17 to 19 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर बहुत ही आइडियल है। और ये देख सकते हो कि फ्लावर जो है पोटैटो का फ्लावर इस तरह से आता है, व्हाइट कलर का होगा, और इसका जो ये जो फ्रूट्स है ये बेरी होता है, बेरी टाइप का, जो ये फ्रूट्स देख रहे हैं ना ये बेरी है। और ये आपका देख सकते हो फाइनली ट्रू पोटैटो, जो सीड है इसके इसमें से निकलता है, तो इसको बोलते हैं ट्रू पोटैटो सीड। अब अगर हम इसकी वैरायटी की बात कर लें तो वैरायटी इसमें आपकी एक तो अर्ली होती हैं, मीडियम होती हैं और उसके बाद लेट, ये तीन तरह की वैरायटियाँ होती हैं, अर्ली, मीडियम और लेट। जो अर्ली मैच्योरिंग वैरायटियाँ हैं ये आपको 75 डेज में आपका हो जाएगा, और अर्ली में जैसे वैरायटियाँ कौन कौन से हैं, कुफरी, चंद्रमुखी, कुफरी, अशोक, कुफरी, ज्योति, कुफरी, अलंकार, कुफरी, लवा कार, कुफरी, नवताल। ये जो हमने लिया यहाँ पर नाम, ये जो हैं अर्ली वैरायटीज हैं, और ये जो कुफरी जो अशोका है ये एक्स्ट्रा अर्ली वैरायटी है, याद रखिएगा एक्स्ट्रा अर्ली वैरायटी है ये। अब इसी तरह से हम मीडियम ड्यूरेशन की बात कर सकते हैं, जैसे कुफरी, चमत्कार, कुफरी, शीतमान, बादशाह, ये जो है मीडियम ड्यूरेशन की वैरायटियां हैं। और इसमें जो शीतमान है ये आपका फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट है,
हम लेट में अगर बात कर लें तो लेट में कुफरी देवा और कुफरी सिंदूरी, तो ये तो कुछ प्रॉमिसिंग वराइटियाँ थी जिनका हमने नाम लिया ऑन द बेसिस ऑफ डे ऑफ मैच्योरिटी, अर्ली मीडियम और लेट में। और एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे पोटैटो की कुछ प्रोसेसिंग वराइटियाँ भी होती हैं, जैसे प्रोसेसिंग वराइटी जैसे कुफरी, चिप्सोना 1, 2, 3। तो ये जो चिप्सोना के नाम से हैं 1, 2, 3, ये बहुत ही प्रॉमिसिंग वैरायटी है, पर चिप्स चिप्स बनाने के लिए इसको काफ़ी यूज किया जाता है। अब अगर हम बात कर लें सीड रेट की, तो याद रखिएगा कि अगर आपका 25 ग्राम का जो कट लेते हैं, जो कि पीस जो ट्यूबर का होगा, अगर 25 ग्राम का कट है, तो उसके केस में आपको 15 से 20, जो कि क्विंटल पर हेक्टेयर आपको ट्यूबर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। और लेकिन अगर यही कट जहाँ पर कट 15 ग्राम का होगा, जो कट होगा, तो उसके केस में आपको 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर जो है आपको ट्यूबर चाहिए फॉर 1 हेक्टेयर के लिए। तो इसलिए कहा जाता है कि ये काफ़ी इनपुट इसमें बहुत ज़्यादा लगता है, और उसमें भी सीड का जो कास्ट इसमें काफ़ी हो जाता है। आप सोच सकते हैं 22-25 क्विंटल केवल सीड लग जाएगा, और अगर 10 रुपये केजी के हिसाब से ही अगर वो आपको मिले 10 रुपये पर केजी, तो भी ये बहुत ज़्यादा आपकी वैल्यू हो जाती है, काफ़ी ये इनपुट में कास्ट यही सीड का ही कंट्रीब्यूट कर देगा। और जो आप एक सिंगल कट लेंगे, उसमें 2 से 3 जो हैं बर्ड्स होने चाहिए पर आईज उस पीस में, ठीक है, तो वो काफ़ी सुटेबल होता है। और जो रो का डिस्टेंस रखना है, वो आपको 45 से लेके 60 सेंटीमीटर, और प्लांट टू प्लांट जो है आपको याद रखिएगा 15 से 20 सेंटीमीटर। इस पैटर्न में आपको जो है पोटैटो की आपको सोइंग करनी होगी, ठीक। इसका मतलब कि आपको जो रो बनानी है, आप जैसे बनाएंगे तो ये इस बीच में ये 45 से लेके 60 सेंटीमीटर हो सकता है, और जहाँ पर आप ये जो कट हैं, जो से ट्यूबर्स रखेंगे सोइंग के लिए, वहाँ पर आपको रखना पड़ेगा इस दो रखने के बीच में 15 से लेके 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रहेगा। तो इस ज्योमेट्री पैटर्न में आपको सोइंग करनी पड़ेगी जो है पोटैटो का। अब हम बात करेंगे सीड प्लॉट टेक्निक की। एक्चुअली सीड प्लॉट टेक्निक है क्या, इसमें देखिए क्या है कि इसका मेन पर्पज होता है कि जो वायरस फ्री सीड प्रोड्यूस करना, याद रखिएगा कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। तो इसमें करते क्या है कि इसमें आपको हेल्दी सोइंग करनी पड़ेगी, कब, अक्टूबर मंथ में, ठीक है। और आपको जो मिड जनवरी में क्या करोगे, मिड जनवरी में जो हाल्म होता है उसकी कटिंग कर दोगे, जैसे अभी ये मान लो आपका आलू का प्लांट है और यहाँ पर ट्यूबर्स लग गए अंदर, तो इस पोर्शन को आप कट कर दोगे कब, मिड जनवरी में। तो इससे क्या होगी, जब ये कट हो जाएगा तो जो इसी मिड जनवरी के टाइम पे क्या होता है, इस पे काफ़ी इंसेक्ट का अटैक होता है,
और ये टाइम काफी प्रोन होता है वायरस के इन्फेक्शन के लिए। ठीक, तो इस पीरियड में जब आपका लीफी पार्ट नहीं रहेगा तो यहां पर वायरस ने कोई इंसेक्ट कट नहीं करेगा, इसे फीड नहीं करेगा, तो ये जो आपका पोर्शन ट्यूबर जो सीड के लिए आप यूज करते हो ये वायरस डी हो जाएगा और इसको लीव कर दोगे फॉर मैच्योरिटी के लिए। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को 1967 में इसको पुष्कर नाथ ने दिया था 1967 में। अब हम बात करेंगे ट्रू पोटैटो सीड की। तो आपसे बता दूं 1957 में ही रामानुजन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके इसको इन्होंने क्या बनाया, ट्रू पोटैटो सीड बनाया। जैसे हमने यहाँ पर बात की थी ना, ये देखिए फ्लावर है और इसका फ्रूट इस तरह फार्म होता है और ये बेरी होता है और ये जो सीड फाइन इससे निकलता है इसी को हम ट्रू पोटैटो सीड बोलते हैं। और इसका एडवांटेज देखिए क्या होगा कि जब आपका ट्रू पोटैटो सीड के लिए टीपीएस आप यूज करेंगे तो आपको 150 ग्राम सीड जो है पर हेक्टेयर के लिए रिक्वायरमेंट होगी। इतने में ही 1 हेक्टेयर में आप अपना पोटैटो लगा सकेंगे। इसमें करते क्या है, जैसे पहले नर्सरी बनाएंगे और नर्सरी की एरिया 75 स्क्वायर मीटर एरिया सफिशियंट है पर 1 हेक्टेयर के लिए, याद रखिएगा। ठीक, और उसमें क्या है, नर्सरी ग्रो करेंगे फिर इसका जो पोटैटो का छोटा प्लांट रहेगा उसकी हम क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। तो एक्चुअली ये सब करने से आप जो देख रहे होंगे कि यहाँ पर 100 से 150 ग्राम ही सीड्स रिक्वायर्ड है, इससे जो आपका सीड का जो ट्रेडिशनल मेथड से सीड का कास्ट जो था वो क्या था, हाई था, लेकिन इसके वजह से क्या हो जाएगा आपका लो हो जाएगा। तो एक एडवांटेज है। दूसरा, आप वायरस फ्री और कह सकते हो डिजीज फ्री सीड बना सकते हो इन न्यू एरिया। ठीक है, इसका एक ये भी एडवांटेज है। तो इससे क्या होगा कि उस जो न्यू एरिया है वहां पर जो है किसी डिजीज के चांस कम हो जाएंगे इन्फेस्टेशन के। ठीक है, तो ये है कुछ एडवांटेजेस जो है ट्रू पोटैटो सीड के, जो कि मैंने बताया 1950 में रामानुजन ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके सीड्स बनाए। और इस टीपीएस के केस में आपको बताया मैंने 100 150 ग्राम ही सीड रिक्वायर्ड पर हेक्टेयर के लिए और नर्सरी रिक्वायरमेंट होगी 75 स्क्वायर मीटर एरिया का जो फॉर के लिए, और ट्रांसप्लांटिंग करेंगे फिर मेन फील्ड में। और ट्रेडिशनल जो एडवांटेज यही है कि ट्रेडिशनल मेथड में सीड का कास्ट ज़्यादा लगता है तो उसको आप लो कर सकते हो और वायरस और डिजीज फ्री सीड्स आपके न्यू एरिया में प्रोड्यूस कर सकते हो और उस एरिया में चांसेस हैं जो वायरस और डिजीज के वो कम हो जाएंगे। तो ये है एडवांटेज ट्रू पोटैटो सीड के। यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो है इसको बोलते हैं ब्लैक हार्ट डिजीज, एक तरह से डिसऑर्डर है ये कह सकते हैं। ठीक है, और ये होता क्यों है, बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन का डिफिशियंसी हो जाती है। कहाँ पे, स्टोरेज में, स्टोरेज में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है। कभी कभी क्या है कि टेम्परेचर जो है आपका 35 डिग्री से ज़्यादा जब होने लगता है और पुअर वेंटिलेशन होगा वहाँ पर वेंटिलेशन, तो उस केस में क्या होता है, ये आपकी जो है प्रॉब्लम आएगी ये जो ब्लैक हार्ट की, जिसमें क्या होता है जो टिश्यू होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम आएगी और ये प्रॉब्लम कहाँ की है, स्टोरेज की, और ये है एक डिसऑर्डर है पोटैटो का। उसके बाद ये देख सकते हो कि ये प्रॉब्लम जो दिख रही है आपको इसको बोलते हैं
हॉलो हार्ट, बीच में आपका ये खाली खाली सा रहेगा, और देख सकते हो ये खाली खाली सा है, तो इसको तो हॉलो हार्ट बोलते हैं। ठीक, और ये होता क्या है, जब आप कभी क्रॉप में एक्सेस नाइट्रोजन का एप्लीकेशन कर देते हो, तो उस केस में सकुलेंट होता है काफी, और एक्सेस एप्लीकेशन नाइट्रोजन की वजह से जो बीच में जो टिश्यू है वो आपको देख सकते हो कि इस तरह सिकुड़ जाएंगी और एक खाली खाली सा बीच में रह गया, तो इसे बोलते हैं हॉलो हार्ट। और ये जो आपको दिख रहा है ये चिलिंग इंजरी है, इसमें भी टिश्यू ब्रेक डाउन होके आप देखिए ब्लैकिश कलर हो जाते हैं, और ये थोड़ा अलग सा दिखता है, आईसी आपको दिखेगा, ड्राई आइस की तरह ऊपर चमकता हुआ भी दिख रहा है, तो ये स्टोरेज की प्रॉब्लम है। अगर टेम्परेचर काफ़ी लंबे टाइम के लिए आपको लो कर दिए, फॉर लॉन्ग टाइम के लिए, अगर टेम्परेचर आपका लो है, तो उस केस में ये आपको चिलिंग इंजरी देखने को मिल सकती है। ये देख सकते हो इंटरनल ब्राउनिंग और कैविटेशन, इसमें इस तरह के इवन सम टाइम इसमें कैविटी भी यहाँ पर देखिए फॉर्म हो जाते हैं, तो ये क्या है, चिलिंग इंजरी की। और ये भी कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम है, स्टोरेज की प्रॉब्लम है, स्टोरेज में भी ये प्रॉब्लम आपको काफ़ी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये जो अब हम डिजीज़ की बात कर लें, तो ये देखो इसमें एक डिजीज है लगती है जिसका नाम है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, और ये एक फंगस होता है फाइटोप्थोरा, इन्फेस्टान ये करता है, और ये काफी डिस्ट्रक्टिव डिजीज है। और ये देख सकते हो कि इसमें ब्लाइट्स हो जाते हैं, पत्तियां झुलस जाएंगी पूरी तरह से, पूरी क्रॉप डिस्टर्ब हो जाती है, और कंप्लीट लॉसेस हो जाते हैं, इसमें क्रॉप पूरी फैली हो जाती है, और इसके वजह से एक हिस्ट्री है एरिस फेमाइन और आयर लैंड फेमाइन, 1845 में आई थी, और ये माना जाता है कि उस टाइम पे जो क्रॉप थी पोटैटो की वहाँ पे फेल्योर हो गई थी बिकॉज ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, तो वहाँ पे बहुत से लोग भूखे मर गए थे। वो फेमाइन जो एरिस फेमाइन और आयरलैंड का ये जो फेमाइन है ये 1845 में आया था, तो मानते हैं लोग ये इस डिजीज के वजह से, क्योंकि वहाँ पर पूरी पोटैटो एक मेजर क्रॉप था और क्रॉप टोटली फेल्योर हो गई थी। और ये जो डिजीज आपको दिख रहा है ये भी ब्लाइट ही है, लेकिन इसको अर्ली ब्लाइट बोलते हैं। ठीक, और ये मोर कॉमन है देन लेट ब्लाइट। ठीक है, और इस उसमें और इसमें डिफरेंस है ये कि देखो कि इसमें कंसेंट्रिक रिंग के जो ब्लाइट्स हुए हैं वो रिंग की तरह देखिए, इस तरह रिंग की तरह दिख रहे हैं ना, तो ये डिफरेंस आपको जब आइडेंटिफाई करना होगा लीफ पे, जब देखोगे तो कंसेंट्रिक रिंग फॉर्म हो गए, और ये जिससे काज होता है उसका नाम है फंगस जो है अल्टर नेरिया सोलो नाई, अल्टर नेरिया सोलो नाई जो फंगस है वो काज करता है, और इसमें कंसेंट्रिक रिंग फॉर्म हो जाएंगे, ये कंसेंट्रिक रिंग बोलते हैं इसको। ये डिफरेंस होता है इस अर्ली ब्लाइट में और लेट ब्लाइट में, लेट ब्लाइट में एक कंसेंट्रिक रिंग नहीं फॉर्म होगा, उसमें एक सिमिलर आपको ब्लाइट से दिखेंगे। ये देख सकते हो ब्लैक, इसको जो ये जो डिजीज आपको दिख रहा है ये आफ्टर ट्यूबर जब फॉर्म रहते हैं तो ब्लैक स्कर्फ इस पे फॉर्म हो जाता है, इसको ब्लैक स्पॉट जो बोलते हैं, और ये जो जिस फंगस से होता है उसको बोलते हैं हम राइजो टोनिया सोलेनाई, राइजोक्टोनिया सोलेनाई के द्वारा ये होता है, इसको ब्लैक स्कर्फ डिजीज बोलते हैं। ठीक है, ये जब ट्यूबर फॉर्म हो जाता है तो ये भी आपका पुअर कर देगा क्वालिटी को, और मार्केट वैल्यू उसकी डाउन हो जाएगी। और एक डिजीज और होता है आफ्टर ट्यूबर फॉर्म हो जाता है जब, इसको स्कैब डिजीज बोलते हैं, स्कैब डिजीज, इसमें देख सकते हो टिश्यू ऊपर से पूरी तरह ब्रेक हो जाते हैं और बहुत ही बुरे शेप में आ जाता है ये पोटैटो,
और ये चीज फंगस से होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबी। ये जो फंगस है वो जो है स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबी के द्वारा ये होता है, और ये भी आपकी क्वालिटी को ज़्यादा हैम्पर करेगा। ठीक, और ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं हम, अब ये देखो आउटर ग्रोथ आता है ट्यूबर पे, और इस डिजीज को बोलते हैं हम वार्ट ऑफ पोटैटो। इसमें आउटर ग्रोथ हो जाएगी, और ये जिस फंगस से होता है उसको बोलते हैं हम सिंकैट्रियम इंडोबायोटिकम। सिंकैट्रियम इंडोबायोटिकम जो फंगस है उसके द्वारा ये होता है, इसको वार्ट डिजीज बोलते हैं। और उसके बाद ये जो लास्ट देख सकते हो, ये जो है आपका चारकोल रॉट। ये चारकोल रॉट है, इसमें आपका जो रॉटिंग होगा, जो ट्यूबर्स होंगे उसके टिश्यू रॉट कर जाते हैं, और चारकोल की तरह देखिए अब आपको ब्लैकिश ब्लैकिश दिखेगा, और ऊपर से भी आपको ये रॉटिंग पूरी तरह से रॉट होने लगते हैं और ब्लैकिश होने लगते हैं। तो ये और थोड़ी सी ऊजिंग सी आपको दिखेगी, गीला गीला सा दिखेगा, तो ये चारकोल रॉट है। और ये भी एक बहुत ही क्वालिटी को पुअर कर देगा, और मार्केट में इसकी कोई वैल्यू नहीं है अभी, और ये भी बहुत ही आपको इकोनॉमिकल लॉस पहुंचा सकता है। तो ये थे डिफरेंट कई डिजीज और डिसऑर्डर जिनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया, और याद रखिएगा जो ये जो ब्लैक स्कर्व है, स्कर्व और एक स्कैब, इन दोनों को आप कंट्रोल कर सकते हैं जब आप सोइंग करते हैं ट्यूबर का, उसी टाइम पे सीट सोइंग के टाइम पे 3% जो है बोरिक एसिड से ट्रीट कर दीजिए। तो जब ट्रीट कर देंगे तो ये जो है आपका स्कैब है, स्कैब डिजीज, और ये जो आपका ब्लैक स्कर्व, इनसे आपको छुटकारा मिल सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ द बोरिक एसिड। ठीक है, एट द रेट ऑफ 3% सोल्यूशन। कुछ और फैक्ट्स हैं जिनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पोटैटो के बारे में, जैसे कि आपसे बता दूं डॉर्मेंसी, अगर इसकी ब्रेक करनी है पोटैटो की तो उसके केस में आपको याद रखिएगा 1% थायो यूरिया विद 1% GA3, इसको आपको 10 मिनट तक ट्यूबर को जो आप स्विंग करना है उसको आप अगर डिप कर दोगे तो आपकी डॉर्मेंसी जो है ब्रेक हो जाएगी। और याद रखिएगा ये KCl जो है पोटेशियम क्लोराइड, इसको कभी मत यूज कीजिएगा सोलनेसियस में, जो भी क्रॉप होते हैं जैसे पोटैटो है, ब्रिंजल है, इसमें ऐसा क्यों है, क्योंकि ये स्टार्च फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देता है क्लोरीन जो इसमें होता है, और आपका ड्राई मैटर भी नहीं प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसलिए क्लोरीन जो है ये पोटेशियम क्लोराइड जो ये फर्टिलाइजर है रिकमेंड नहीं किया जाते जो भी सोलनेसियस से बिलोंग करते हैं हमारे क्रॉप्स। स्टोलेन जो होता है याद रखिएगा, उसका फॉर्मेशन कब होता है, आपका 20 से लेके 50 50 डेज आफ्टर सोइंग, और जो ट्यूबर का फॉर्मेशन या इलांगेशन कह सकते हो वो आपका 50 to 80 डेज आफ्टर सोइंग। तो ये दोनों स्टेज जो है ना बहुत ही क्रिटिकल हैं फॉर व्हाट, मॉइस्चर के लिए, तो इरिगेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन दोनों
स्टेज के इस स्टेज पे पानी की कभी जो है कमी नहीं होनी चाहिए। और एक जो इसमें इंसेक्ट होता है जो कि आपका फील्ड में भी और स्टोरेज में भी दोनों जगह क्रॉप्स को इन्फेक्ट करता है, उसको बोलते हैं हम पोटैटो ट्यूबर, सॉरी मॉथ। ये जो है आपके फील्ड में भी ट्यूबर्स को हार्म करेगा और स्टोरेज में भी। तो ये एक ऐसा इंसेक्ट है जो दोनों जगह आपको प्रॉब्लम कर सकता है, पोटैटो ट्यूबर मॉथ। इसको बोलते हैं गनो रिमो स्कीमा ओपर कुलेला, गनो गनोर गनोरमेसिमा ओपर कुलेला इसका जो है जूलॉजिकल नेम है। जो पोटैटो लीफ रोल वायरस है ना, ये एफिड के द्वारा, जो मैंने बात किया था आपको, एफिड द्वारा ट्रांसमिट होता है। इसलिए हम जनवरी जो है, मिड जनवरी जो होती है उस टाइम पे इसकी डिहार्मिंग कर देते हैं, जिससे कि ये एफिड का अटैक ना हो पाए, नहीं तो ये जो पोटैटो लीफ रोल वायरस है इसका इन्फेस्टेशन हो जाएगा। और इस एफिड को बोलते हैं माइजस पर्सी की, माइजस पर्सी की बोलते हैं जूलॉजिकली इसका जो इसका साइंटिफिक नेम है एफिड का। इसी के द्वारा ये जो आपका पोटैटो लीफ रोल वायरस है वो ट्रांसमिट होता है। और याद रखिएगा दो जो स्थान है, एक है आपका दार्जिलिंग, दूसरा नीलगिरी। ये दो जगह अभी पोटैटो होता है, लेकिन यहाँ के मटेरियल को दूसरी जगह नहीं भेजते। दार्जिलिंग का इसलिए नहीं भेजते क्योंकि यहाँ पर इसमें इस एरिया में जो वार्ट डिजीज है आपका होता है, इसलिए इसको डोमेस्टिक क्वारंटाइन के द्वारा क्वारंटाइन यहाँ का दार्जिलिंग का जो पोटैटो है दूसरे पार्ट में नहीं भेजते, क्योंकि ये जो डिजीज है काफी यहाँ पर कन्फाइंड है, इसलिए ये दूसरे पार्ट में चला जाएगा। इसलिए इसका डोमेस्टिक क्वारंटाइन के द्वारा इस डिजीज को ट्रांसमिशन को रोकते हैं। इसलिए दार्जिलिंग से कोई जो है पोटैटो का पार्ट दूसरे पार्ट में नहीं लेके जाते, इसको बोलते हैं डोमेस्टिक क्वारंटाइन। ये बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल आपका डोमेस्टिक क्वारंटाइन का, अगर कोई आपसे पूछता है तो आप इसको बता सकते हो, ठीक। और नीलगिरी जो है, ये जो आपका नीलगिरी जो एरिया है, यहाँ पर आपको गोल्डन नीमेटोड जो है वो बहुत बड़ी समस्या है, गोल्डन नीमेटोड। इसलिए इसका मटेरियल कहीं और पार्ट में नहीं भेजते। ये दो एग्जाम्पल है, गोल्डन नीमेटोड और वार्ट डिजीज, ये दोनों जो है पोटैटो के हैं और दोनों अलग अलग स्थानों पर कन्फाइंड है। दार्जिलिंग में वार्ट है और ये जिसमें नीलगिरी में गोल्डन, इसलिए यहाँ के जो पोटैटो दूसरे पार्ट में नहीं भेजते, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डोमेस्टिक क्वारंटाइन, ठीक है। तो ये सब थे कुछ इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता था। उम्मीद करूंगा कि लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। वीडियो कैसी थी कमेंट करके और लाइक करके बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर नए होते इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।